Hi kids, hope you all are fine. Over chapter number 1, knowing over numbers, exercise 1.2, question number 6. We continue from this. Amassing on an average, manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of जनवरी 2006? समझो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्क्रू बना रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर एक दिन में और डे मीन्स एक दिन में 2825 स्क्रूज अगर बनते हो, तो क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2006 में कितने स्क्रूज बने होंगे, मतलब जनवरी में कितने डेज होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल, जनवरी में 31 डेज होते हैं। अभी हमारा बेसिक वीडियो जो हमने अर्लियर देखा था, सिंगुलर टू मल्टीपल एंड मल्टीपल टू सिंगुलर, तो यहां पे उसका ही यूज करना है। ओके, अ डे मीन्स वन डे में 2825, देन इन 31 डेज में कितने, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स डेज नंबर ऑफ स्क्रूज। ओके, मीन्स इन अ वन डे नंबर ऑफ स्क्रूज 2825, देन इन जनवरी 2006 मीन्स इन 31 डेज हाउ मेनी स्क्रूज। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन शॉर्ट, 31 मल्टीप्लाई बाय 2825 एंड अपॉन 1। इसका भी हमने बेसिक वीडियो देख लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई में। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। 15 सर 5, 12 सर 2, 18 सर 8, 12 सर 2। अभी 3 का नहीं, 3 की प्लेस क्या है, टेंस है, इसलिए उसका 0। अभी 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 सर 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 सर 6 एंड 1 7, 3 8 सर 24 का 4, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 सर 6 एंड 2 8। एडिशन ऑफ दिस ऑल, क्लियर मींस और आंसर विल बी 87,575। हमारा आंसर क्या हुआ, 87,575 मीन्स एक दिन में अगर 2825, देन इन 31 डेज 87,575 स्क्रूज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 4040 radio sets at ₹1200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक woman है, एक merchant woman है, उसके पास 78,592 रुपीस पहले से है। उसने सोचा कि उसकी जो शॉप है उसके लिए वो 40 रेडियो सेट खरीदे, कितने 40। अभी वन रेडियो कॉस्ट, रेडियो की प्राइस है, कॉस्ट है 1200 रुपीस, तो 40 रेडियो सेट अगर वो खरीदेगी तो उसको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, पहले वो काउंट कर ले, मींस सिंगुलर जो मल्टीपल, मल्टीपल जो सिंगुलर हुआ कि नहीं, मतलब क्या कि नंबर ऑफ रेडियोस एंड कॉस्ट। ओके, मतलब अगर वन रेडियो खरीदती है तो उसको कितने रुपीस पे करने हैं, 1200 रुपीस। तो वो ऐसे कितने रेडियो सेट खरीद रही है, 4040, तो कितने, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने आगे देखा था। ओके, 40 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1200 के साथ, 40 का मल्टीप्लाई 1200 के साथ, और ये 1 नीचे,
अभी फ्रेंड्स वन नीचे लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वन जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। ओके, डिवाइड में जब वन हो, डिनोमिनेटर में जब वन हो, तो उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ता। अभी फ्रेंड्स फिर से याद करो हमारा बेसिक वीडियो, हमने हमारे बेसिक वीडियो में देखा था कि अगर लास्ट में जीरो हो तो उसको जैसे का तैसा रख दो, यहां पे दो और यहां पे एक, मींस 3 0 रख दो। अभी जीरो को रिमूव करने के बाद क्या रहा, 12 and 4, 12 4 सार 48 रुपीस। मतलब क्या हुआ कि अगर वन रेडियो की कॉस्ट है 1200 रुपीस, देन 40 रेडियो की कॉस्ट हुई 48,000। सिंपल, ओके। अभी जो वो मर्चेंट है उसके पास पहले से कितने रुपीस है? क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। अ मर्चेंट हैड रुपीस 78,592 रुपीस। कितने रुपीस है उसके पास पहले से? सी हैड कितने रुपीस है? 78,592 रुपीस। इसमें से उसने रेडियो सेट कितने रुपीस के खरीदे? 48,000 रुपीस के खरीदे। सी परचेज 48,000 रुपीस रेडियो। ओके, तो रिमेनिंग रुपीस उसके पास कितने रहेंगे? समझो आपके पास 10 रुपीस है, आपने 8 रुपीस की ऐसी कोई पेन खरीदी, तो आपके पास कितने रुपीस रहे? आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करोगे, 10 - 8 कितने रहे? 2। तो इसी तरह यहां पे 78,592 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 78,592 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अभी सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही, 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 8 0, 7 - 4 3। मतलब उसके पास 78,592 रुपीस थे रेडियो सेट खरीदने के बाद, उसके पास कितने रुपीस रहेंगे? 30,592 रुपीस। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। By how much was his answer greater than the correct answer? यहां पे एक स्टूडेंट है, उसको टीचर ने कहा कि भाई आपको 7,236 का 56 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 7,036 का 56 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बट स्टूडेंट ने क्या किया, 56 की जगह 65 की तरह 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 72,036 का 36 का 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली 65 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 65 बड़ा है, तो आंसर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? ओके, लॉजिक, सिंपल लॉजिक कि 65 इज बिगर सो आंसर विल बी बिगर, ग्रेटर। तो क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है, हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर, उसका आंसर कितना ज्यादा आया होगा। समझो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर ज्यादा आएगा, कंपेरिजन बाय 56, तो कितना ज्यादा आया होगा? तो 7236 का मल्टीप्लाई 65 के साथ किया, उसमें से ये 7236 का मल्टीप्लाई 56 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मीन्स 7236 का आंसर 65 के साथ करेंगे तो जो आंसर आया वो, उसमें से 7236 का 56 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसमें से माइनस कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा आया ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ज्यादा आया वो पता चल जाएगा। लॉजिक यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बड़ा बड़ा आंसर कुछ आएगा, फिर दोनों का फिर से सब्ट्रैक्शन करें, वैसा करेंगे? नहीं। यहां पे फ्रेंड्स आपको एक हिंट दी गई है क्वेश्चन में, क्या है वो हिंट? डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस क्वेश्चन मार्क। क्या आपको यहां पे दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन मार्क? नहीं।
दोनों का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे 7236 दोनों में सेम है, कॉमन है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इन दोनों में से ये कॉमन निकाल दें तो ये सेम है। इस सेम को हमने एक बार लिखा तो यहां पे क्या बचा, यहां पे रहेगा 65 माइनस 56, क्या रहा 65 माइनस 56। अभी सिंपल 7236 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, 65 में से 56 गए तो क्या रहा, नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई तो आपको आता है कि नहीं, सिंपल क्या करना है, 7236 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 6 are 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 are 27 plus 5, 32 का 2, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 are 18, 18 and 3 21, 9 7 are 63 and 2 65। मतलब आंसर क्या आया, 65,124। मतलब उसका जो स्टूडेंट है उसने कितना ज्यादा आंसर लिख लिया होगा कंपैरिजन से, 65,124 जितना आंसर उसने ज्यादा लिखा होगा। फ्रेंड्स ये हमारा लॉ ऑफ वर्क है, ओके। तो आपको यहां पे ये समझ में आ चुका होगा, फिर से उसको रिवाइज कर ले। एक स्टूडेंट है, टीचर ने कहा कि भाई मल्टीप्लाई करो 56 के साथ, वो कुछ उल्टा समझा, उसने 56 की जगह क्या लिख दिया, 65 लिख दिया। मतलब ऑब्वियसली ज्यादा नंबर लिखा है तो आंसर बड़ा ही होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना ज्यादा आंसर आएगा, तो ये 65 के साथ मल्टीप्लाई में से ये 56 का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे हमको दोनों का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों में 7236 कॉमन है, उसको हमने एक बार लिखा, रिमेनिंग फिगर 65 माइनस 56 वो लिखा। 65 में से 56 गए तो 9, अभी सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओके, जो आपको आता है यहां पे दिखाया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन हमारे मैथ्स के डिफरेंट रूल का यूज करके ऐसे इजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हमारा जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 आज किया। तो आज यहां तक रखते हैं, बाय बाय।